बढ़िया, पब्लिक को मज़ा आएगा, फुल टूस पब्लिक एंटरटेन करेगी पिक्चर में, जैसी मेरी पिक्चरें होती हैं लोगों को मज़ा आता है, फुल टूस टोरंटो से भटिंडे तक सब एकदम एकदम सब कुछ मिलेगा, नाच गाने से भरपूर होगी पिक्चर, मसाला होगा, फुल पूरी इमोशंस होंगे और पर्दे पे देखने वाली फिल्म होगी। मेरी कहानी तो जो मैं कहानी बना रहा हूँ, लव स्टोरी भी है, रोमांस भी है, म्यूजिक भी है, एक्शन भी है, सब कुछ है। जो कहानी बनाओगे उस कहानी के हिसाब से फिल्म होगी। कंटेंट तो आपको ट्रेलर में देख के आपको समझ आया होगा कि जीनियस वही है जो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ता है और हर परिस्थिति में ज़िंदगी की लड़ाई लड़ता है और जीतता है, वही जीनियस है। हाँ, एक्टर तो था लेकिन साला कभी बाहर ही नहीं निकल पाया, बस डायरेक्टर ही बनकर रह गया। बस सबको नहीं, अब उत्कर्ष तो बन गया ना एक्टर, अच्छी बात है ना, कि मेरे अंदर का हिस्सा चला गया उसके अंदर। हाँ, वो तो होती है, हर पिता अपने पुत्र में अपनी झलकियाँ देखता है और हर पुत्र अपने पिता में अपनी झलकियाँ देखता है, ये तो संसार का नियम है। दोनों तरफ ही है, आप देख लो, खुद पर्दे पे देखो, मुझे देखो, अपने आप आपको दिख जाएगा। मेरी फोटो भेज देता हूँ आपको। भाई देखो, हर पिता अपने पुत्र से उम्मीदें रखता है और मुझे तो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बड़े अच्छे बच्चे मिले, बेटा भी बहुत अच्छा है, बेटी भी बहुत अच्छी है, दो बच्चे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, आई एम प्राउड ऑफ देम। उत्कर्ष के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी है, लेकिन कहीं मुझसे ज़्यादा उसमें है। देखिए, दिल की लड़ाई है जीनियस, जो दिमाग से खेलनी है, ये आपका दिल भी झकझोरेगी, दिमाग भी झकझोरेगी, तो जीनियस देखिए। जीनियस देखने से पहले जीनियस का ट्रेलर देखिए, गाना फितूर सुनिए, सारे गाने हिमेश रेशमिया के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको बहुत गुदगुदाएंगे, आपको बहुत लुत्फ लेंगे, ये एक पूरे सिनेमा हॉल में पूरी पब्लिक के साथ देखने वाली फिल्म है, तो इसे आप ज़रूर देखने आइएगा, सिनेमा का एक एक्सपीरियंस इसमें आपको मिलेगा। जी, फर्स्ट मूवी का एक्सपीरियंस बहुत ही गजब रहा, मुझे ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने मिला, मिथुन सर, नवाज सर, तो ऐसा किसी डेब्यूटेंट को मिलता नहीं है ऐसा अवसर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ऐसा एक अवसर मिला, एंड आई हैव लर्न्ड सो मच फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। जी, नवाज सर लेजेंड ऐसे ही नहीं है, जब आप उनको काम करते हुए देखते हैं अपनी आंखों के सामने, आपको समझ में आता है कि ये पर्सन क्यों एक लेजेंड है। वो इतना प्रिपेयर करके आते हैं और एक एक नुआंस पे काम करते हैं कि आपको लगता है यार, इतनी मेहनत और इतने दृढ़ निश्चय के बाद ही आदमी इतना सफल हो सकता है ज़िंदगी में, तो बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे, एंड बहुत कुछ सीखने मिलता है कि भाई एक्टिंग में प्रिपरेशन कितना इम्पोर्टेंट है। इशिता बहुत ही स्वीट लड़की है एंड बहुत ब्यूटीफुल है, जैसा आपने इसको देखा ही है, तो रोमांटिक सीन्स इजी हो जाते हैं इस चक्कर में, बट वो बहुत ही मेहनती है सबसे पहली बात, एंड वो वेरी गुड, शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर, तो कुछ भी फीडबैक होता है जो डायरेक्टर उनको देते हैं या राइटर्स उनको देते हैं, उन पर वर्क करती हैं, एंड अगले दिन आपको उसका रिजल्ट दिखता है। अरे मिथुन दा तो फैंटास्टिक, वो तो हमारे हीरो हैं, तो उनके साथ जब पहला दिन था काम करने का, तो ऑलमोस्ट एक सेकंड के लिए स्टारस्ट्रक था मैं कि भाई जिनको मैंने बचपन से टीवी पे देखा है, फिल्मों में देखा है, उनसे नज़रें मिला के मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, किरदार निभा रहा हूँ, तो बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस था वो भी, एंड मिथुन दा का बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, एंड एडवाइस देते रहते हैं वो कि और ये हमेशा फोकस करवाते रहते कि कैरेक्टर में रहो, कैरेक्टर में रहो, वही सब चीज़ें ठीक करवा दे। जी, ये मूवी में सिर्फ एक्शन ही नहीं है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, कंप्लीट एंटरटेनर है, एंड थ्रिलर भी है, तो इस फिल्म के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनमें काफ़ी मेहनत की गई है, जो मेरे एक्शन मास्टर जी थे अब्बास अली मुगल सर, उनके साथ मैंने कई रिहर्सल्स किए, कई प्रैक्टिस किए स्टंट्स के और
क्या कहते हैं और फाइट सीक्वेंसेस के, तो काफ़ी चीज़ें हम कोरियोग्राफ करके ही गए थे सेट, एंड जिससे हम जितना समय बचा सकें उतना बेहतर. व्हाट वाज द जी, जब आप काम करते हैं तब आपको पता लगता है कि कितनी छोटी सी छोटी चीज़ भी इतना, जो आप, आपको एज एन ऑडियंस नहीं समझ में आता कि इस शॉट में कितनी मेहनत की गई होगी. जैसे एक अगर एक सिंपल सा शॉट है जो टेली में लिया जा रहा है, अब आप किसी से बात कर रहे हैं, अब आप उधर से अपने मार्क से हिल भी नहीं सकते क्योंकि आप हिलेंगे तो आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे, आपको पूरा टेक वापस देना पड़ेगा. तो उसमें नेचुरल रहते हुए ये भी ऑडियंस को दिखाते हुए नहीं कि भाई आप अपना मार्क फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशनिंग फॉलो कर रहे हैं, और उसमें भी आप अपना नेचुरल रहें, अपने किरदार में रहें, अपने किरदार के ही एक्शंस कर रहे हैं, वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें. जी, मिथुन दा से बहुत टिप्स मिली मुझे. मिथुन दा ने मुझे एडवाइस दिया कि भाई हमेशा अपने कैरेक्टर को फॉलो करो. अगर आप अपने कैरेक्टर को फॉलो करोगे तो आपके सारे सवाल जो भी आपके मन में आ रहे हैं व्हेन यू आर एक्टिंग, वो सब सॉल्व हो जाएंगे एंड आप अपने इंस्टिंक्ट पे रिएक्ट करोगे. तो वो सबसे बड़ी एडवाइस थी उनकी तरफ से. एंड नवाज़ सर की तरफ से तो यही था कि भाई जितना प्रिपेयर होके आओगे, अगेन सिमिलर एडवाइस, कि जितना प्रिपेयर होके आओगे उतना ही आप कैरेक्टर में कुछ नया दे पाओगे. माई डैड हैज़ अ वेरी सिंपल सेइंग कि भाई एक्टिंग में यू शुड नॉट एक्ट, यू शुड लिव इट. एंड दैट्स व्हाट कन्विंसेस द ऑडियंस कि आपकी दुनिया वही है एंड आप वही किरदार. दैट्स इट. एडवाइस गिवन टू मी बाय माई डैड कि भाई जस्ट प्ले द कैरेक्टर, दैट्स इट, नथिंग नथिंग. इट्स अ कम्प्लीट पैकेज. उसमें रोमांस, एक्शन, थ्रिल, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स मूवी है एंड आपको इसमें बहुत ही कमाल का क्लैश देखने मिलेगा, क्लैश बिटवीन टू जीनियसेस, जो एक नवाज सर प्ले कर रहे हैं और एक मैं प्ले कर रहा हूँ. तो उसके डायलॉग्स, उसके सीन्स, विजुअल्स आपको बहुत थ्रिलिंग एंड इन्जॉइंग जॉयफुल लगेंगे. पहली बात तो है कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, लाइक नर्वसनेस भी है, लेकिन एक बात यह है कि लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लाइक ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है, सॉन्ग बहुत पसंद आ रहा है. सो वो एक अच्छा फीलिंग आ रहा है कि मुझे जो हमें इतना पसंद आता है वो सब लोगों को भी पसंद आ रहा है. एंड स्क्रीन पे देखते टाइम ऐसे लगता है कि वाव, ये जो हमने इतनी मेहनत की है वो बहुत अच्छा लग रहा है. तो आई जस्ट होप कि एवरीवन आल्सो फील्स द सेम. आई कुड से चैलेंजिंग था, लाइक मुश्किल, इजी ऐसे मैं नहीं बता सकती, बट सब ने, अनिल सर ने, उत्कर्ष ने, नवाज जी ने, सब ने, लाइक मिथुन दा ने, सब ने बहुत हेल्प की मुझे, उन्होंने एडवाइस दिए, टिप्स दिए. तो ऐसे बहुत अच्छा लगा, लाइक उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. एंड सॉरी, हम लोग एक्चुअली फिल्म के बाद, आई रिमेम्बर वन थिंग कि हम सब लोग जो हमारे जो DOP हैं, अनिल सर हैं, हमारे राइटर्स जो हैं, हम सब लोग मिलके टेबल टेनिस खेलने जाते थे होटल में. एंड हम लोग इतनी मस्ती करते थे, फिर हम लोग साथ में डिनर पे बैठ के कभी कभी सीन्स भी डिस्कस करते थे, रिहर्सल हो जाते थे, बट ऐसे भी मस्ती करते थे, लेकिन कोई और भी बातें होती थी. तो ये आइडिया से क्लियर एक्सपीरियंस. हाँ, मेरी पहली फिल्म मुझे इतनी याद नहीं है, बट आई कैन से कल हो ना हो सकती है मूवी वैसे, बिकॉज ऑफकोर्स बचपन में इतना याद नहीं आता आपको. तो या बट मुझे है मेमोरी, कल हो ना हो की मेमोरी है. एंड वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी वैसे. या वैसे नर्वसनेस तो सबको होता है वह, बट एक्साइटमेंट भी है, बिकॉज अभी तक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. एंड आई होप कि सब लोग उतना ही सपोर्ट करेंगे, उतना ही प्यार देंगे और उतना ही उनको पसंद आएगा जितना हमको आ रहा है. एंड आई होप दैट एवरीवन वॉचेस द मूवी. तो या
वेल दिस इज़ द फिल्म जहाँ पे आपको रोमांस मिलेगा, एक्शन मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा आपको, फिर कैरेक्टर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो एक्टर्स जो हैं, जो नवाज़ जी, आयशा जी, मिथुन दा, उनको आपको देखने को चांस मिलेगा, फिर आपको एक फ्रेश स्टोरी भी मिलेगी, तो आई थिंक आपको ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छा लाइक अच्छी लगेगी, एंड आई होप यू गो एंड वॉच इट. थैंक यू.